शनिवार को कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए एक मुहिम शुरू करने जा रही है। उस मुहिम का नाम पार्टी ने डोनेट फॉर देश रखा है, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर को दिल्ली से की जाएगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी को अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। पार्टी इसके लिए अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, डीसीसी अध्यक्षों, पीसीसी अध्यक्षों और एआईसीसी पदाधिकारियों में से प्रत्येक सदस्य को कम से कम 1380 रुपए का योगदान करने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल सितंबर में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1571 करोड़ रुपए बढ़ गई है। अगर 2020 और 2021 की बात करें तो उस समय इन पार्टियों की संपत्ति 7297.62 करोड़ रुपए थी, जो 2021 और 2022 में बढ़कर 8829.16 करोड़ रुपए हो गई। इस रिपोर्ट में बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, टीएमसी और नेशनल पीपुल्स पार्टी का नाम शामिल है। ये तो हो गई पार्टी की घोषित संपत्ति की बात। अब बात करते हैं एक साल में पार्टियों का कितना कर्ज कम हुआ। तो आपको बता दें, 2020 और 2021 में राष्ट्रीय पार्टियों पर 103.55 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें से कांग्रेस के ऊपर 71 करोड़ रुपए, बीजेपी के ऊपर 16 करोड़ रुपए, टीएमसी के ऊपर 3.8 करोड़ रुपए था, जो 2021 और 2022 में घटकर कम हो गया। मतलब कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो 71 करोड़ रुपए का कर्ज था वो 41.9 करोड़ रुपए हो गया, बीजेपी के ऊपर जो 16 करोड़ रुपए था वो 5 करोड़ रुपए हो गया, टीएमसी के ऊपर जो 3.8 करोड़ रुपए था वो 2.5 करोड़ रुपए हो गया। वही अगर बात करें कि एक साल में पार्टियों का रिजर्व फंड कितना बढ़ा है, तो आपको बता दें 2020 और 2021 में पार्टियों का रिजर्व फंड 7194 करोड़ रुपए था, जो 2021 और 2022 में बढ़कर 8767 करोड़ रुपए हो गया था। बता दें, ये पहल सन 1920 और सन 1921 में महात्मा गांधी के हुए ऐतिहासिक तिलक स्वराज से अंकुरित है और इसका उद्देश्य एक श्रेष्ठ भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है। इस अभियान की ऑफिशियल शुरुआत पार्टी 18 दिसंबर को दिल्ली से करने जा रही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।